मां शिवरात्रि के इस पर्व पर आप सबको मंगलेश्वर महादेव के मंदिर में मां शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भारतीय संस्कृति, धर्म, आध्यात्म में देवों के देव महादेव का अलग स्थान है। हर संकट, हर दुख, हर पीड़ा के अंदर भगवान शिव और जब भी इस धरती पर संकट आया, कलयुग में आया, सतयुग में आया, उस समय भी भगवान शिव ने विष पीकर हमेशा सृष्टि में कल्याण का मार्ग अपनाया। और इसीलिए हर कष्ट, हर संकट के विष को पीना ये महादेव की कृपा है। और आज इतने हजारों वर्ष बाद भी हमें इन्हीं संस्कारों की ओर चलना चाहिए। महादेव जी के जीवन दर्शन, शिव पार्वती की कथा आज भी हमें कहती है कि जब समाज में संकट आए, दुख आए, पीड़ा आए, तो बड़ा व्यक्तित्व वो होता है जो समाज के संकट को, विष को पी लेता है। इसलिए कहते हैं नीलकंठ महादेव। महादेव का अमृत जब मंथन हुआ था तो उन्होंने कौन अमृत पिए, कौन विष पिए, उसमें विष पिया था। तो आज भी समाज में जो समाज का विष, संकट, दुख, पीड़ा को पीता वही बड़ा व्यक्ति होता है। यही मां शिवरात्रि का पर्व हम सबको प्रेरणा देता है। मैं इस मौके पर चौथमल जी पहलवान जी को याद करना चाहता हूं, जिन्होंने कुश्ती को अपने उन नौजवानों के बीच में लोकप्रिय बनाया और किस तरीके से नौजवान तन से, मन से, शरीर से स्वस्थ रहे, इसके लिए उन्होंने जगह जगह कुश्ती की परंपराओं को और बढ़ाने का काम किया। कुश्ती की परंपरा तो आदिकाल से, लेकिन इस परंपरा को आगे बढ़ाना, उसको पोषित करना और नौजवानों के बीच में उसको लोकप्रिय करना। अगर हम नौजवानों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तन से, मन से, शरीर से, जीवन में अनुशासन रखना चाहते हैं, व्यसन से मुक्ति चाहते हैं, गलत दिशा से जाना चाहते हैं, तो हमें खेलों की ओर बढ़ना चाहिए, कुश्ती की ओर बढ़ना चाहिए। और वह चौथमल जी पहलवान जी ने शुरू किया। हमारे बीच में बाबा गोपीनाथ जी ने रहे, जिन्होंने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। और बाबा गोपीनाथ जी ने जगह जगह कुश्ती कराना, कुश्ती के लिए नौजवानों को आकर्षित करना। कोई समय था जब कुश्ती मिट्टी में हुआ करती थी और सबसे बड़ा व्यायाम, अगर सबसे शरीर का जो कसरत मानी जाती थी, तो वह उस अखाड़े को जोतने में, उसको अखाड़े को जोतने में जो होती थी, क्योंकि हमने भी जीवन में, हम जिस संस्कारों में पले पड़े उसमें कुश्ती हम लड़ा करते थे, कुश्ती के अंदर जो मेहनत करते थे, उन्हें अखाड़े को तैयार करना, उसको जोतना, तैयार करना, वो सबसे ज्यादा व्यायाम का काम था। वो आज भी, और उस समय उस परंपरा को, हमारे बीच में आई के दत्ता साहब बैठे हैं जो लंबे समय से इस परंपरा को आगे भी बढ़ा रहे हैं, और सब हमारे शर्मा जी, गौतम जी, कितने लोग हैं जिनका नाम लूं, और नाथूलाल जी इस परंपरा को लगातार 13 वर्ष से, मेरा कई बार यहां आना हुआ, लगातार इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और उन्होंने कभी भी मां शिवरात्रि पर केसरी दंगल होना ही होना है ये निश्चित है, लेकिन
परंपराएं, अखाड़े लड़ने की कलाएं, पहले किसी ने मिट्टी में लड़ते थे, आज इंटरनेशनल स्तर पर गद्दी पे लड़ते हैं, तो गद्दे पे लड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन अब इस पर्व को, इस दिन को हम और बड़ा करें और लोगों को आकर्षित करें, हमारे नौजवानों को अच्छे संस्कार दें, विचार दें, संस्कृति दें, आध्यात्मिक धर्म की, खेल की, तो वह और स्वस्थ रहेगा शरीर से, मन से, तन से। जब आप किसी नौजवान को देखते हो शरीर से स्वस्थ, आपको भी लगता है कि इच्छा होती है मेरा भी शरीर ऐसा घनिष्ठ हो, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस मेहनत को इन नौजवानों को देखने के बाद और नौजवानों को प्रेरणा मिलती है। मैं इसके लिए नाथूलाल जी, पहलवान जी, उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो खेल के खिलाड़ी महिला पुरुष खेलने आए, खेल के मैदान में, कुश्ती के मैदान में, वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे, मेडल जीतेंगे, आज नहीं तो कल जीतेंगे, अपनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को बनाए रखेंगे और अपने लक्ष्य तक जब तक नहीं जीतेंगे जब तक कुश्ती लड़ते रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।